सतेली में इनमें से निम्न कोई भी रेखा है तो आप बहुत ज्यादा अमीर और करोड़पति अपने जीवन में बनेंगे। करोड़पति बनाने वाली हस्तरेखाओं के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहला चिन्ह होता है हथेली में कि अगर आपकी भाग्य रेखा चाहे जीवन रेखा से निकले या चंद्र के क्षेत्र से निकले या मस्तिष्क रेखा से अथवा एकाएक अगर शुरू हो जाए और इस रेखा के अंत में किसी भी तरह से द्विमुखी चिन्ह बन जाए तो इसका तात्पर्य होता है कि आपके जीवन में धन दौलत और पैसे कमाने के योग बढ़ते चले जाएंगे। एक से दो, दो से चार साधन या आपके मेहनत, आपकी सोच और आपके कर्म पर नियंत्रित होता है कि कितना ज्यादा आप पैसा कमा सकेंगे। लेकिन जब भी दो मुखी भाग्य रेखा किसी के देखने को मिली है ऐसे जातक अपने जीवन में पैसों के संबंध में ज्यादा चिंतित नहीं हो पाते क्योंकि इनके पास हर समय किसी भी माध्यम से पैसा आते रहता है, मौजूद रहता है। यह दो मुखी चिन्ह बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है। ये किसी भी रेखा के अंत में आ जाए तो उस रेखा के शुभ परिणाम को बढ़ा देती है। तो भाग्य रेखा आपका करियर है, आपका धन कमाने के योग है, आपका भाग्य किस्मत किस तरह से आपको सहयोग देगा इसको दर्शाता है। दो मुखी रेखा का सीधा तात्पर्य होता है कि आप अलग अलग माध्यम से ऊर्जाओं को अपने ओर आकर्षित करेंगे, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को अच्छे से उपयोग कर और ज्यादा पैसा कमा सकेंगे और अपने पैसे को दो से चार, चार से आठ यानी सही ढंग से इन्वेस्ट करने के कारण भी ग्रोथ कर पाएंगे। तो जब भी इस तरह के योग देखने को मिलते हैं तो लिमिट नहीं होती कि कितना पैसा कमाएंगे। ऐसे जातक जितना ज्यादा प्रयत्न प्रयास कर्म करते जाएं उतना अधिक पैसा इनके जीवन में आता चला जाता है। तीसरा धन संचय के बारे में है कि अगर आपकी भाग्य रेखा में इस तरह से त्रिकोण की आकृति बन जाए तो इसे धन भंडार भी कहते हैं, धन त्रिकोण भी कहते हैं और मनी ट्रायंगल का नाम इसको रखा गया है। इस कंडीशन में ऐसे जातक आमतौर पर व्यापार के माध्यम से, क्योंकि बुध के तरफ रेखा एक जाती है, इसलिए ऐसे जातक अपने खुद के काम व्यापार या खुद के पैशन हॉबी को या अपने इंटरेस्ट को मनचाहा काम करके भी बहुत अच्छा पैसा व साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं। लेकिन इस धन त्रिकोण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पैसा कहाँ लगाना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पैसों को किस तौर तरीके से निरंतर रूप से बढ़ाना है, ऐसे जातकों को बहुत अच्छे से पता होता है। आमतौर पर यह शिकायत होती है कि हमारे हाथ में मनी ट्रायंगल है लेकिन पैसा नहीं है। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम ही यह होती है कि ये मनी ट्रायंगल सबसे ज्यादा वर्क करता है बिजनेस में। और अगर आपका बिजनेस नहीं है या आप बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं या आप अपने स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो इसका संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर यह भी देखना है कि ये त्रिकोण कब बन रहा है। जैसे ये भाग्य रेखा के ऊपर में आपको एज का जजमेंट बिठाना है, वहां से आपको ये पता चलेगा कि कब से आपका भाग्य जागने वाला है, कब से भाग्य उदय होने वाला है और उस समय पर आप जो भी प्रयत्न प्रयास करेंगे वहां पर आपकी किस्मत चमक जाएगी। ऐसे जातकों के जीवन में अनेक माध्यम हो या ना हो लेकिन एक माध्यम से ही इतना ज्यादा पैसा आने लगता है कि इन्हें आने वाले भविष्य को लेकर के ज्यादा चिंतित होना नहीं पड़ता है। तीसरा चिन्ह होता है हथेली में स्क्वायर का। अगर आपके बिल्कुल मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच में स्क्वायर का साइन बन रहा है या विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है या छोटा सा स्क्वायर रूपी या ट्रायंगल रूपी साइन कुछ भी ऐसा बन रहा है तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा प्रॉपर्टी डेवलप कर पाएंगे। ये जो तीन चिन्ह यहाँ बनाए गए हैं, ये तीन चिन्ह इसके क्षेत्र में कहीं पर भी आ जाए तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आपके पास एक से ज्यादा मकान होने वाला है। वो मकान या प्रॉपर्टी आपको पैसा कमा करके देगी, आपके किसी भी लेवल की कंस्ट्रक्शन या इन्वेस्टमेंट आपको 10 गुना रिटर्न आने वाले समय में दे करके जाएंगे। तो आमतौर पर ऐसे जातकों के पास चल अचल संपत्ति निश्चित रूप से आती है और अधिक संपत्ति के मालिक ऐसे जातक बनते हैं। अगर आपके हथेली में शुक्र की रेखा पर, यहाँ शुक्र के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं मौजूद हो रही हैं तो आप अपने लोगों के सहयोग के कारण या आपके अपने लोग, आपके घर परिवार, आपके मित्र यार या आपके रिश्ते आपको पैसा कमा करके देंगे या मदद करेंगे पैसा कमाने में, तो ऐसे जातक अपने प्यार, अपने रिश्तों के कारण बहुत ज्यादा समृद्धवान होते हुए देखने को मिलते हैं। और इन्हीं रेखाओं में इस तरह की आड़ी रेखा भी आपको देखने को मिलेगी, उसके बीच में अगर इस तरीके से ट्रायंगल का या फिर स्क्वायर का साइन बन गया तो इसका तात्पर्य होता है कि आपके पास जितना भी धन दौलत है वो सुरक्षित है, वो निरंतर बढ़ता ही रहेगा और तमाम तरह की सुख सुविधा का लाभ आप अपने जीवन में उठा सकेंगे। और अंतिम चिन्ह होता है जो बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति को बनाता है, वो है स्क्वायर, ट्रायंगल, इस तरीके से फिश सिंबल, ये सब अगर आपके सूर्य के क्षेत्र पर आ जाए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को शासक बनाता है, बहुत ज्यादा सफल बनाता है। ऐसे ज्यादा अपने क्रिएटिविटी, आर्ट
टैलेंट के कारण देश दुनिया में समृद्ध व प्रसिद्ध होते हैं और आमतौर पर ऐसे जातकों का सिक्योर्ड करियर होता है, जिसके कारण गवर्नमेंट जॉब लगना या किसी भी तरह के प्राइवेट सेक्टर में भी टॉप पोजिशन अथॉरिटी पर रहना, चाहे इंडिपेंडेंट ही वर्क करना लेकिन अपना एम्पायर खड़ा कर देना, ये सब योग इसके अतिरिक्त देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से बताएं कि आपके हथेली में कौन सा चिन्ह बन रहा है और क्या लाभ आपको देखने को मिल रहा है। यह सारे शुभ चिन्ह उन्हीं लोगों के हाथ में बनते हैं जिनकी नियत, सोच व कर्म बहुत ज्यादा ही अच्छी होती है, जो लोग लगातार प्रयत्नशील होते हैं, जो लोग अपने को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हद पार कर जाते हैं, उनके हथेली में यह सभी चिन्ह या इनमें से चिन्ह निश्चित रूप से आ जाती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।